हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूम जॉइंट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप क्या कर रहे हो, आज जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आप हमारे आने वाले टॉयज़ के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप उसको सबसे पहले देखने वाले बन पाए और आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज का जो वीडियो है वो एकदम बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही धमाल होने वाला है यार। आज का वीडियो तो काफ़ी गजब होने वाला है। तो आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है रिमोट कंट्रोल कार। आप देख सकते हैं आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, तो कितनी गजब लग रही है बॉक्स के अंदर ही यार। तो जल्दी से बिना किसी देर के हम इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जाओ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करो जल्दी से। तो बिना किसी देर के हम इस रिमोट वाली कार को अनबॉक्स करते हैं। तो देख सकते हैं जैसे इस पर लिखा हुआ सुपर कार्स रिमोट सेंसर ग्रेविटी वैकेंट RC फोर्स, देख सकते हो आप किंग पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है यार हमें इससे क्या मतलब। जो भी कुछ लिखा हुआ है इसमें यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, अगर आप इसके बैक साइड पर देखोगे तो कहाँ से क्या होता है सारी चीज़ें हैं। तो इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ पे, नो वरीज। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं बिना किसी देर के। तो कहाँ है इसका लाइटिंग चाहिए, ओके मिल गया। तो यहाँ से हम इसको निकालते हैं, देख सकते हो आप इसका बहुत ही प्यारा स्टेयरिंग है, बहुत ही गजब दिख रहा है। तो इसको रखते हैं यहाँ पे, उसके बाद हमारी कार है उसको भी रखते हैं यहाँ पे साइड में। उसके बाद हम आते हैं, हमारे इसमें कुछ और दे रखा है, ओके ये चार्जिंग पिन दे रखी है, इसको भी रखते हैं साइड में। तो जल्दी से आपका फोकस इन तीनों चीज़ों पर रखते हैं जल्दी से बिना किसी देर के। ये क्या है यार, एंटीना होगा मुझे लगता है, सेंसर होगा जो ऐसा तिरछा हो गया, बांका हो गया, लेकिन डोंट वरी ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम इसको फिर भी चला सकते हैं। तो बेहतरीन बिना किसी देर के अब इनका हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं स्टेयरिंग के ऊपर यार, वाओ गजब है यार, वाओ क्या लुक लग रहा है इसका शानदार। आप देख सकते हैं उसके ऊपर RPM मीटर दे रखा है, स्पीडोमीटर दे रखा है, साथ ही में फ्यूल भी दे रखा हुआ हो। फ्यूल कहाँ से बताएंगे इसके अंदर यार, चार्जिंग का मीटर देना चाहिए इसमें, कितना चार्ज हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं हम उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन वाओ वाओ गजब है यार, वाओ कमाल का है, बेहतरीन है, इसको मैं 90 डिग्री पे मुँह घुमा भी सकता हूँ। वाओ वाह क्या साउंड निकल आएगा जब का। तो इसको देखते हैं इसमें क्या फीचर्स हैं, यहाँ पे बटन दे रखे हैं कुछ, यहाँ पे RC दे रखा है, उसके बाद बैक साइड में देख सकते हैं, ओ यहाँ पे सेल लगाने का ऑप्शन भी दे रखा है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ओके यहाँ पे दो सेल लगते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे हम दो बैटरीज लेके आए हैं यहाँ पे, अभी इसको लगाएंगे, इसको चेक करेंगे कि आखिर में होता क्या है। तो मैंने जैसा कि आपने देखा मैंने बैटरीज यहाँ पे लगा दी है और मैं इन्हें इसको बॉक्स को क्लोज कर रहा हूँ, हो जा रहे कूलर बंद हो जा सकती हूँ, हो गया। वो क्या कुछ जला था यहाँ पे, बत्ती जली थी यार, वाह रेड सिग्नल दे रहा है भाई, रुक जाओ भाई रुक जाओ। वाह ये दो बटन जो हैं आगे के हैं, ये पीछे के हैं, स्टीयरिंग जो है इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन आप इसको फिर भी फील लेने के लिए चला सकते हो। यहाँ पे सेंसर की एक डंटी दे रखी है, वाह ये भी गजब की है यार, लाल कलर सब जगह लाल कलर क्यों दे रखा, वाह वाह इसको हिलाओगे तो भी सेंसर काम करेगा गजब। तो देख सकते हो इसको रखते हैं साइड भी, देखेंगे नहीं हमारी काफ़ी नाजुक चीज़ है। उसके बाद हम आते हैं हमारी कार के ऊपर, वाह क्या गजब का लुक आ रहा है, मर्सिडीज लग रही मुझे पूरी यार, आगे से इसकी हेडलाइट भी देख सकते हो, इसके ग्लासेस, इसका एंटीना बांका हो गया मुझे लगता है बॉक्स के अंदर रखे रखे, इसको सीधा कर देंगे कोई बात नहीं। इसके व्हील देख सकते हो आप, इसके पहिए देख सकते हो, व्हील केप भी इसके अंदर लगा हुआ है, वाह बेहतरीन गजब, पीछे का बैक साइड इसका लुक पूरा मर्सिडीज का लुक दे रहा है यार, वाओ कमाल का है गजब है यार। तो इसको भी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, मुझे लगता है एंटीना जो है वो सेंसर के काम में आता होगा यार, सेंसर इसी की वजह से हम इसको चला सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन दे रखा है, ये देखिए ऑन ऑफ का बटन दे रखा है। अब इसके अंदर बैटरी जो है वो यहाँ लगती है इसके अंदर जो, ओ ये किस तरह की है, वाओ देख सकते हो जैसा कि चार्जेबल है यार, बैटरी जो है इसके अंदर वो चार्जेबल है। तो निकल जा रहे हैं, निकल जा ओहो निकाल लिए हमने, देख सकते हो इसके अंदर तीन बैटरीज लगती है, तीनों जो है वो चार्जेबल है यार, इसमें क्या लिखा हुआ है NICND 1.2, तीनों चार्जेबल बैटरीज है। तो इनको फिर से लगा देते हैं, ओह गलत पर लगाओ यार, सही से लगा दो। तीनों को हमने लगा दिया है बिना किसी देर के। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को पूरा जरूर देखिए आखिरी तक देखिए। तो यहाँ पे हमने बैटरी इसको लगा दिया है, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, इसको हम ऑन और ऑफ करके भी बता सकते हैं, साथ ही में इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिन लगाने का ऑप्शन है, ये आई थिंक चार्जिंग करने के लिए चार्जेबल सेल है। तो देख जैसा कि आप देख सकते हैं बस चार्जिंग पिन है, इसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और इसका जो चार्जर है इसको आप आपके बोर्ड में लगा के
को चालू कर दीजिए तो ये आपका ऑटोमेटिक चार्जिंग हो जाएगी। तो जल्दी से अब इनको बिना किसी देर के इसको भी हम चला के देखेंगे बिना चार्जिंग हो जाने। तो उसके बाद जबरदस्त दिख रही है, तो इसको भी हम निकाल देते हैं यहाँ से। ये जो रिमोट कंट्रोल कार है इसको मैंने ऑफलाइन परचेस किया है ओनली 350 रुपीज़ के अंदर यार, वाह गजब। 350 के अंदर ये काफ़ी गजब है, काफ़ी धमाल झमाल माला माल है, वाह। तो जल्दी जाओ आप इसको भी जाके बाय करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी रिमोट कंट्रोल कार कैसी लगी। देखिए वाह, स्टेयरिंग है, साथ में हमारी कार है, लुक जो है कलर भी देख सकते हो इसका यार, ऑरेंज कलर दे रखा है। तो जल्दी जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको हमारी कार कैसी लगी। जैसा कि अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके का वर्क करता है, तो देखिए जैसा अगर ये वाला जो बटन है फर्स्ट वन, अगर हमको प्रेस करेंगे तो आगे जा रही है, देखिए वाह। इसी के नीचे का जो बटन है उसको जब प्रेस करेंगे तो पीछे जा रही है। अगर आपको इसको आपको साइड में इसको मूव करना है तो आप इसका ये वाला बटन दबा सकते हैं। देखिए ये देखिए, इसके जो आगे वाले फ्रंट वाले पहिए हमने बैंड आया, देखिए सीधे हो गए, ये देखिए बैंड हुआ यहाँ पर, पीछे आगे इस तरफ घूम सकते हैं। अगर इसको सीधा करना है तो ये वाला बटन आप प्रेस करिए, देखिए सीधे हो गए उसके पहिए आगे के। वाह गजब, क्या मॉडल निकला है, एकदम मर्सिडीज़, एकदम गजब झक्कास, वाह मजा ही आ गया। और इसकी स्पीड तो लाजवाब है यार। तो जल्दी से मैं आपको इसको नीचे भी चला के बताऊंगा, जस्ट वेट करिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ओके अब बिना किसी देर के इसको जल्दी से चला के बताते हैं, इसका टेस्ट करके बता देंगे किस तरीके की चलती है, क्या इसकी परफॉर्मेंस है या क्या इसकी क्वालिटी है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करिए। काफ़ी तेज भाग रही है, देख सकते हो आप, वाओ खतरनाक कार है एकदम जबरदस्त। देखी वाओ क्या चल रही है, देख सकते हो आपको, और ये धीरे से चल रही है, गजब वाओ कमाल की है यार, कमाल है, कमाल जमाल माला माल। ओहो रिवर्स भी आ रही है, रिवर्स देख सकते हैं सर लुक यार, वो जैसा कि आपको हमने बताया कि किस तरीके की इसकी परफॉर्मेंस, क्या स्पीड है इसकी, क्या भागती है, गजब यार वाओ। अगर आपको हमारे टॉयज़ का वीडियो पसंद आया है तो जल्दी जाइए चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और पास में लगे बेल आइकन को भी जल्दी से प्रेस करिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉय के वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।